करेंगे एक और बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है। सरकार से आज सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करेगा विद्या मितान संघ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के बंगले पर पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले हैं और विद्या मितान संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज पांचवा दिन है। नियमितीकरण की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं विद्या मितान शिक्षक और हड़ताल के तीसरे दिन मुंडन कराकर विरोध किया गया था और चौथे दिन राजधानी की सड़कों पर भीख मांग कर विरोध जताया था। तो आपको बता दें कि विद्या मितान की लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। और सुप्रिया पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में जुड़ गई हैं। सुप्रिया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के भी बंगले पर पहुंचने वाले हैं, कब तक ये बंगले पर पहुंचेंगे और किस तरह से आज प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, विद्या मितान का जो है लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अनिश्चितकालीन उनका प्रदर्शन का जो पांचवा दिन है आज, और इसके साथ ही वो आज जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बंगले जाएंगे और इसके साथ ही वहां पर सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग भी करेंगे। विद्या मितान का आरोप है कि लगातार वे प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनकी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिस वजह से वे जो है अब विरोध जो है वो ज्यादा उनका उभर कर सामने आ रहा है और इसके साथ ही वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का उनका पांचवा दिन है। वे तीसरे दिन से जो अजीबोगरीब तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि तीसरे दिन जो है वो हड़ताल कर रहे थे तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है उनका, उसके दिन तीसरे दिन वो मुंडन कराए थे, इसके बाद जो है वो चौथे दिन उन्होंने भीख मांग कर विरोध जताया था और अब जो है सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। विद्यामितानों की मांग है कि वे हमेशा लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी एक भी नहीं सुन रही है, इस वजह से वो इस तरीके से विरोध जता रहे हैं और इसके साथ ही आज विद्यामितान सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे, क्योंकि विद्या मितानों का ये कहना है कि यदि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, कोरोना काल है, ऐसे में उनके परिवार भूखे मर रहे हैं और नियमितीकरण नहीं की जा रही है। इसके साथ ही उनका ये भी आरोप है कि उन्हें 8 महीने का वेतन भी नहीं मिला है, तो इसकी वजह से वो कहना चाहते हैं, वो मांग करते हैं कि हम तो ऐसे ही भूख से मर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि भूख से ना मरकर हम इच्छा मृत्यु की मांग कर ले। वो पहले भी जो है इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं लेकिन इसके पहले विधायक विकास उपाध्याय ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी होगी। उसके बाद विद्या मितानों का जो हड़ताल है वो स्थगित हो गया था लेकिन एक बार फिर विद्या मितान जो है वो आक्रामक हो उठे हैं और इस बार जो है उनका आंदोलन अनिश्चितकालीन है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो आंदोलन पर जो है लगातार डटे रहेंगे और इसके साथ ही आज सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। सबसे पहले राज्यपाल के पास जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री और उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री के पास जाकर वो अपने बंगले पर मौजूद नहीं है। राज्यपाल या फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन मिल सकता है, क्योंकि इच्छा मृत्यु की जो मांग इन्होंने रखी है वो सुप्रीम कोर्ट का उसको लेकर अलग एक कानून है, तो वो तो किसी तरह से संभव नहीं है, तो किसी तरह का कोई आश्वासन मिल सकता है? जी बिल्कुल, इच्छा मृत्यु की मांग अगर ये लोग करेंगे तो बिल्कुल ही इन लोगों को किसी तरह का आश्वासन मिल सकता है, क्योंकि इन्हें पहले भी आश्वासन मिल चुका है। पहले भी इन्हें विधायक विकास उपाध्याय ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे जल्द पूरी होगी लेकिन ये जो है एक बार फिर से हड़ताल पर बैठे हैं और इस बार इनको हड़ताल जो है वो अनिश्चितकालीन है, तो हो सकता है कि इन्हें किसी न किसी तरीके से कोई आश्वासन मिल पाए तो इनका जो आंदोलन है वो स्थगित हो, क्योंकि काफी दिनों से ये जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार इनका पांचवा दिन है हड़ताल का और इसके साथ ही यहाँ पर लगातार ये विरोध जता रहे हैं, लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके नियमितीकरण की जाए। काफी दिनों से विद्या मितान जो नियमितीकरण की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। इससे चलिए सुप्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।